हेलो ऑडियंस, मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्लास नाइन्थ मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर वन एक्सरसाइज 1.5 का वीडियो अपलोड कर दिया हूं। बच्चों, आप इसको ध्यान से देखें, और यदि बच्चों इस क्वेश्चन में एक भी स्टेप समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर वन बच्चों क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो बच्चों, इसमें फर्स्ट में क्या दिया है कि 2 - √5। तो बच्चों, 2 हमारा रेशनल नंबर होता है, 2 इज ए रेशनल नंबर और √5 इज द इरेशनल नंबर। तो करीब बच्चों, हमको रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर। बच्चों, यदि हम दो एक में इरेशनल नंबर दिया जाए और इरेशनल नंबर का डिफरेंस करने के लिए दिया जाए बच्चों, तो हमको डिफरेंस करेंगे तो हमारा प्राप्त करते हैं इरेशनल नंबर। तो बच्चों, ये फर्स्ट हमारा होगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बच्चों, अब सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड देखें। सेकेंड बच्चों कह रहा है कि यदि 3 + √23 दिया गया और -√23 तो क्या होगा। बच्चों, 3 + इसको सिंप्लीफाई कर देंगे बच्चों, 3 + √23 -√23, ये √23 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यह 3 आएगा बच्चों। तो यह हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा बच्चों, रेशनल नंबर। अब बच्चों, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि 2 √7 अपॉन √7 √7। तो बच्चों, √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/7। तो 2/7 क्या बच्चों, यदि हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज ए रेशनल नंबर, तो दिस इज ए रेशनल नंबर। तो बच्चों, यह क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। अब बच्चों, हमारे क्या कर रहा है, फोर्थ पार्ट क्या है बच्चों, कि 1/√2। तो बच्चों, 1/√2, 1 न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर इज ए रेशनल नंबर एंड डिनोमिनेटर इज ए इरेशनल नंबर। तो यदि हमें डिवीजन किया जाए रेशनल नंबर से और इरेशनल नंबर में, तो बच्चों हमें इरेशनल नंबर ही प्राप्त होता है, तो दिस इज ए इरेशनल नंबर। ये बच्चों हमें प्राप्त क्या होगा, इरेशनल नंबर। अब बच्चों क्या कर रहा है, फोर्थ में क्या कर रहा है, 2 × π। तो 2π क्या होगा बच्चों, तो 2 तो हमारा रेशनल नंबर है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑब्टेन द इरेशनल नंबर। तो बच्चों, 2 रेशनल नंबर है और पाई जो है बच्चों इरेशनल नंबर है, तो यदि हमें मल्टीप्लीकेशन किया जाए रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में, तो ऑब्टेन द इरेशनल नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। यदि आपको इस क्वेश्चन में एक भी स्टेप समझ में नहीं आता है तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं जिंदगी में हमेशा आपको आगे बढ़ाऊंगा। मेरा यह लक्ष्य है, मेरा यह सपना है कि मेरे जितने भी गरीब बच्चे हैं, जो बच्चे कोचिंग नहीं दे करके, पैसे दे करके नहीं पढ़ सकते हैं, वह हमारे वीडियो को देखें। कोई भी कमेंट होता है बच्चों, मुझे मैंने व्हाट्सएप पे आपको अपना वीडियो पे अपना नंबर भी दे रखा है, आप मुझे
बताएं, मैं आपका हमेशा सहायता करूंगा। जब भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपके लिए तत्पर रहूंगा। मेरा यह लक्ष्य है, मैं आपको जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ाता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आर्यन एजुकेशन चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज के वीडियो